ये क्वेश्चन दे रखा है, ये मैट्रिक्स ठीक है, इसमें क्या निकालना, इनवर्स निकालना ठीक। तो इनवर्स इस मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, सबसे पहले वो चीज़ चेक करेंगे, यानी कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 3 4 3 1 3। डिटरमिनेंट आपको पहले भी बता चुके हैं, डिटरमिनेंट कैसे 3 डिग्री ऑर्डर कैसे निकालते हैं ठीक। तो हम फास्टली यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ठीक। तो ये प्लस साइन तो था, ये माइनस या फिर प्लस, इसको डिलीट करते थे, क्या बचता था, 2 का डिटरमिनेंट बचता था 4 × 4 = 16 9 फिर माइनस 3 है, माइनस 3 देंगे, माइनस साइन तो था, माइनस साइन आ गया ठीक है, तो 3 देंगे, कैसे करेंगे यानी 4 − 3 फिर प्लस, प्लस साइन तो प्लस साइन, फिर 3 आ रही और 1 × 3 3 1 × 4 4 यानी कितना जाएगा, ये 7, ये 4 यानी कि -3, ये -1 तो प्लस में यानी -1 -3 ठीक, यानी कि 7 − 6 लेटिन -1 सॉरी 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ये क्यों ना नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर ठीक। अब वो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ए इनवर्स का मतलब क्या पड़ेगा, एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि इस मैट्रिक्स को क्या निकालना पड़ेगा, एडजेंट निकालना पड़ेगा। तो एडजेंट निकालना पड़ेगा इसका मतलब क्या होगा कि एवरी एलिमेंट को कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट मैट्रिक्स का मेरा क्या मिलेगा, एडजेंट मिलेगा ठीक। तो चलो हम बता रहे हैं, सिर्फ कोफैक्टर निकालते हैं एवरी एलिमेंट्स का ठीक। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो कोफैक्टर के सबसे पहले बताऊँ कि सी आई जी एच का डिफरेंस क्या होता है, -1 के पार में आई प्लस जे एम आई जी होता था। हम बोले थे कि अगर ये दोनों को एड करने से मेरा अगर इवन नंबर होता तो प्लस साइन आता था यहाँ पर, और अगर ये दोनों को एड करने से अगर ऑड आएगा तो यहाँ पर आगे माइनस साइन आएगा ठीक। तो चलिए, तो पहले C11 निकालते हैं, तो C11 दोनों को एड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, इवन नंबर यानी M11। तो M11 कैसे निकालेंगे, तो इसको डिलीट करते थे, यानी कि 4 3 3 4 यानी कि 16 − 9 दैट मीन्स 7। अब C12 ऑड है यानी कि -5 1 3 1 2 ठीक, इसको डिलीट करेंगे हम लोग फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को, 1 3 1 4 दैट मीन्स यानी 4 − 1 एड करेंगे इवन नंबर आएगा, इसको डिलीट करेंगे तो 1 4 1 3 यानी कितना आ गया, 3 − 4 दैट मीन्स -1 भी आ गया ठीक। और C21 एड करेंगे ऑड नंबर यानी माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको डिलीट करेंगे तो 3 3 3 12 − 9 − 3 रहेगा, फिर इवेंट नंबर यानी M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 3 1 4 1 3 1 4 इसको सॉल्व करें तो 4 − 3 दैट मीन्स 1। उसके बाद C23 यानी ऑड आएगा तो माइनस आएगा, यानी इसको अगर डिलीट करते हैं तो हमारे क्या आएगा, 1 3 1 3 इसको सॉल्व करें तो 0 − 0 दैट मीन्स ऑल 0 आएगा, 31 निकालेंगे यानी कि मेरा कितना हो जाएगा इवन इवेंट नंबर आएगा, इसको डिलीट करेंगे तो 3 3 4 3 इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 9 − 12 − 3 आ जाएगा, 32 वाला निकालेंगे तो मेरे क्या ऑड है तो माइनस हो जाएगा, इसको डिलीट करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, 1 3 1 3 इसमें वही आएगा, ये भी मेरे क्या 0 आ जाएगा, 33 यानी कि ये भी मेरे क्या इवेंट नंबर आएगा यानी
133, इसके रूट है तो 1314, 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1। ठीक, तो क्या करेंगे, एवरी एलिमेंट्स मैंने क्या कोफैक्टर निकल लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक, या फिर उस मैट्रिक्स को लेट कोई न्यू मैट्रिक्स मान लेते हैं पी, तो एक पी मैट्रिक्स है। ठीक, इससे मेरा सर एलिमेंट्स लेंगे 7 और 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 माइनस 1 और ये कितना है, 3। तो -3 1 हो गया। अब क्या था, 0 था। ठीक है, थर्ड रो में क्या था, -3 0 और 1, तो मेरे क्या निकला, एडजेंट ऑफ ए निकला। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले भी निकाल चुके थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 1, तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें क्या पड़े कि एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए में क्या निकला, 7 माइनस 1 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1 और डिवाइडेड बाई 1, यानी मेरा ये क्या निकल गया, ए इनवर्स।